बात कुछ ऐसी है कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था कॉलर आईडी चेंजर के ऊपर, जो आप कोई भी नंबर डाल के वहाँ पर कोई भी नंबर से कॉल कर सकते हो, दूसरे वाले के पास आपने जो नंबर डाला हुआ है वो नंबर से कॉल जाएगा। तो ऐसा हुआ कि जो ऐप मैंने बताया था कि इस ऐप वाले फ्री कॉल सेकेंड फोन नंबर, जब भी यहाँ पर नंबर डालते थे तब भी वहाँ पर कॉल करते थे तो कॉल आ जाता था। लेकिन इस ऐप में दिक्कत हो चुका है कि आप जब भी कॉल करते हो वहाँ पर लिखा आता है रजिस्ट्रेशन फेल अनऑथराइज्ड। तो थैंक्स टू आदित्य चौधरी जो ने मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में बताया। अगर वह ब्रो ने प्रॉब्लम के बारे में बताया नहीं होता तो मैं शायद नहीं जान पाता। तो थैंक्स टीम। तो यहाँ पर देखोगे मैं जब यहाँ पर मैं यहाँ पर कॉल करूँगा मेरा ही नंबर से, तो आप देखोगे यहाँ पर लिखा आएगा अनऑथराइज फेल्ड, रजिस्ट्रेशन फेल्ड अनऑथराइज्ड। तो हम इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। तो इसके लिए देखो ये क्यों हो रहा है, बेसिकली क्यों हो रहा है, ये मैंने ऐप का जो डेवलपर है उसको मेल किया था, तो अभी तक कोई मेल नहीं आया। तो उन लोगों के ऐप के ऊपर अपडेट चल रहा है तो इसलिए उसका सर्वर थोड़ा इशू कर रहा है, इसीलिए वो ऐप डेवलपर इस ऐप को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए हम कोई और दूसरा ऐप यूज़ कर लेंगे। इस ऐप का सर्वर में इशू हो रहा है, यही मेन दिक्कत है। तो वो लोग कुछ दिनों के बाद प्ले स्टोर में जो इसके बाद अपडेट आएगा इस ऐप के ऊपर, तो अपडेट के दौरान ये फिक्स कर दिया जाएगा। लगभग बहुत सारी कोशिश है ये वहाँ पर फिक्स कर दिया जाएगा। तो ठीक है, इसके लिए हम देखेंगे और उस दूसरा ऐप देखेंगे। तो इसके लिए आपको एक और ऐप इंस्टॉल कर लेना है इंडिकॉल करके। यहाँ पर प्ले स्टोर ऐप में चले जाना है, जाने के बाद यहाँ पर जो है इंडिकॉल ये वाला जो ऐप है इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन करोगे, आप अगर पहले दफ़ा ओपन करोगे तो आपको ये कॉलर आईडी चेंजर के लिए बोलेगा, यहाँ पर परमिशन अलाउ कर देना जो भी जाएगा। तो फिर यहाँ पर ऊपर में थ्री डॉट में क्लिक करोगे तो यहाँ पर माई नंबर पे ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेट ऊपर सेट नंबर के लेवल लिखा आ जाएगा। मैंने इसको यूज़ कर लिया है इसीलिए ये एक्सपायर दिखा रहा है। तो ठीक है, हम इसको क्लोन करेंगे, लेकिन ध्यान रखें आप ऐप क्लोन कर के जरिए यह क्लोन नहीं होगा क्योंकि ये बार बार क्रैश हो जाएगा। तो इसके लिए हम और एक ऐप का इस्तेमाल करेंगे, मल्टीपल अकाउंट बोले एक ऐप है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। प्ले स्टोर में आप चले जाएंगे, मैं इसका इन सारे एप्लीकेशन आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको यहाँ पर सर्च करना है मल्टीपल अकाउंट, ये वाला ये जो ऐप है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इसको डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ पर आप ऐड में क्लिक करके आप इंडिकॉल को ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपकी इंडिकॉल आ जाएगा, तो हम इसको ओपन करेंगे, फिर आपका परमिशन चाहेगा, परमिशन अलाउ कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर माय नंबर ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। माय नंबर मेरा यहाँ पर एक नंबर सेट है, मैं इसी से एक बार कॉल करके दिखाता हूँ, फिर से मैं एक बार नंबर चेंज करूँगा। तो ठीक है, हम देख सकते हैं ये वाला जो नंबर सेट है इसे कॉल आता है कि नहीं। लेकिन रुकिए, यहाँ पर आप जब भी कॉल करने की कोशिश करोगे कॉल नहीं होगा, इसके लिए और एक आपको चीज़ करना पड़ेगा। इसके लिए और एक आपको कोई सा भी एक VPN की ज़रूरत होगा, VPN आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर सिक्योर VPN का यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई सा VPN यूज़ कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर लिखेंगे VPN तो कोई सा VPN आ जाएगा, कोई सा इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर मैं यहाँ पर चाहता हूँ, फिर मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। मैं यहाँ पर कोई भी कंट्री सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जस्ट कनेक्ट कर दे रहा हूँ। कनेक्ट करने के बाद हम इसको मिनिमाइज करेंगे, यहाँ पर फिर से मल्टीपल अकाउंट को खोलेंगे, फिर यहाँ पर इंडिकॉल का हम खोलेंगे। ध्यान रहे का VPN कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये कॉल नहीं जाएगा। मैं यहाँ पर टेस्ट करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर, आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर यही वाला नंबर सेट है 0000, यही वाला नंबर से कॉल आएगा। मैं जब मेरा ही नंबर पर कॉल करूँगा, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ, मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ, एक ऐड आएगा, फिर यहाँ पर देख सकते हैं डायलिंग लिखा रहा है, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ से कॉल आ गया। आप देख सकते हैं यही नंबर से कॉल आया है। फिर यहाँ पर हम ऊपर थ्री डॉट में क्लिक करेंगे, देखा माई नंबर पे जाएंगे, मैंने जब हम कॉलर आईडी चेंज करेंगे, ओके। फिर यहाँ पर हम आपको लिया हम नंबर चेंज करेंगे, हम नंबर रख देते हैं 1111
एक दो तीन चार पाँच छः A1 रख देते हैं। ओके सेम नंबर पर क्लिक करते हैं, फिर से ओके करते हैं। यहाँ पर लिखा रहा है योर नंबर इज सेट, आप देख सकते हैं अच्छे एक दो तीन चार पाँच छः 1 है 6 1 है यहाँ पर। फिर हम फिर से हम कॉल करेंगे इसी नंबर से, मेरे ही नंबर से कॉल करेंगे। मैं कॉल करता हूँ, एक ऐड आएगा, ऐड को आपको कट कर देना है। कट कर देता हूँ, कट करने के बाद ही डायलिंग होगा। फिर ऐसे डायलिंग हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर कॉल आ चुका है 1111 से। तो देख सकते हैं ऐसे आप जैसे मर्जी यहाँ पर काट सकते हैं। मैं यहाँ पर काट करता हूँ, यहाँ पर एंड कॉल कर दिया। आप देख सकते हैं ऐसे आप जितनी मर्जी कॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाएंगे, आप अगर यहाँ पर जाएंगे मान नंबर के ऊपर, तो दिखा सकते हैं ये चेंज नंबर के ऑप्शन पर नहीं दे रहा है, तो ये नंबर चेंज करने देता है, ये 2 बार नंबर चेंज करने को देता है। तो ठीक है, आप क्या करेंगे, आप मल्टीपल अकाउंट में जब यहाँ पर खोलेंगे, तो मैं यहाँ पर पक कर देता हूँ। तो इसके लिए अनलिमिटेड ट्रिक के लिए यहाँ पर आप मल्टीपल अकाउंट को जब खोलेंगे, तो यहाँ पर हम खोलेंगे, तब यहाँ पर जो इंडिकल हो इसको आपको डिलीट कर देना है। इसको आपको डिलीट ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है, इसको डिलीट कर देना है, आप फिर से ऐड कर लेना है। अगर नहीं होता है तो फिर से आपको प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं मल्टीपल अकाउंट। मल्टीपल अकाउंट लिख सकने के बाद मल्टीपल यहाँ पर लिखते हो सेकंड स्पेस, सेकेंड स्पेस यहाँ पर आपको लिख देना है। यहाँ बहुत सारे ऐप मिल जाएगा, कोई भी ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है, मान लीजिए ये वाला कोई भी ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पर जाके आपको फिर से ऐड कर देना है, वहाँ पर आपको फिर से इंडिकॉल के ऐड कर देना है। तो फिर से आपको 2 बार नंबर चेंज करने के लिए बोला जाएगा। आप यहाँ पर नंबर को जब नहीं चेंज कर सकते, तो ऐसा नहीं कॉल नहीं जाएगा, कॉल जाएगा, लेकिन कॉल जो लास्ट हमने नंबर चेंज किया था, जैसे मैंने 111 के ऊपर चेंज किया था, तो 111 के ऊपर ही कॉल जाएगा, कॉल हर बार चले जाएगा, लेकिन नंबर आपको 2 ही बार चेंज करने के लिए देता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप बहुत सारे और मल्टीपल ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ पर नंबर चेंज करके कॉल कर सकते हैं। और अगर ध्यान रहे आपको एक VPN कनेक्ट होना जरूरी, VPN कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं मेरा VPN अभी भी कनेक्ट है, तो VPN कनेक्ट करके कॉल करें। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में। तो ठीक है, आपको अगर अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों का कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो।